हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीएस एजुकेशन हब। में इन दिस वीडियो इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस और आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जैसा कि रेगुलर बेसिस पे आपके आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट कराने के लिए रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी का। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, ऑल ओवर एडिटोरियल्स कह लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस से कह लीजिए, उसमें से लिए गए वर्ड्स हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंटेंस क्रिएट कीजिए, 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। ओके, आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं सेशन, लेट्स बिगिन द सेशन। एंड बिफोर देन, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माई चैनल्स तो प्लीज लाइक बटन, लाइक पर प्रेस करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, एंड इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन मॉर्निंग्स में एंड अर्थमेटिक्स से कुछ एंड नंबर सीरीज के आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, टुडे इज 13th अप्रैल 2019, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी काम में मोटिवेशन कोड हियर इट इज, वी कम नियरेस्ट टू द ग्रेट व्हेन वी आर ग्रेट ह्यूमैनिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि वी कम नियरेस्ट टू ग्रेट, यानी कि आप महान व्यक्ति किसी ऐसे पर्सन के साथ में, किसी ऐसे पर्सन के साथ में अगर आप रहते हैं, नियर रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, उससे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो वी आर ग्रेट ह्यूमिलिटी। वह एक बहुत अच्छी आदत कह सकते हैं या एक अच्छी विचारधारा आपके मन में जारी हुई। जिस व्यक्ति के साथ आप रहोगे, बुरे के साथ बुरे रहोगे तो बुरी विचारधारा आपके मन में क्रिएट होगी, अच्छे के साथ अच्छे रहोगे तो बुरी अच्छे विचार क्रिएट होंगे। जैसा कि इंडिया एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए, आप ये सेशंस गेन कर रहे हैं, यानी कि सेशंस से आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आपका जनरल नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आपकी वोकैब पावर इंक्रीज हो रही है, आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो रही है, ताकि एग्जाम्स हो, तो उसके बेस पर आप 100% इसे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं अच्छे के साथ अच्छे, अच्छा अगर आप चुनते हैं, अच्छा करते हैं तो हमेशा आपको अच्छा ही मिलता है। ओके, बुरे के साथ बुरा रहते हैं, बुरा करते हैं तो आपकी विचारधारा, आपके माइंड में थॉट्स बहुत ही बुरे आने लगते हैं। ओके, इट्स इस थॉट के साथ, इसी मोटिवेशन स्कोर के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू आर्टिकल्स है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल्स दिए हैं दोनों आर्टिकल्स। ओके, ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ज़्यादा नहीं है, कल भी एक आर्टिकल्स आया था उसके बेस पे मैंने बताया था। सेकंड आर्टिकल्स ये जलियांवाला बाग, फर्स्ट आर्टिकल इज नॉट हाफ डन, यानी कि जो इलेक्शंस बेसिस पर हुए हैं, इलेक्शंस हुआ है फर्स्ट फेज का, यानी कि 91 सीट्स का इलेक्शंस हुआ है, उसके बेस पर क्या क्या आर्टिकल्स दिएगा, किस किस स्टेट में कितने हुए, किस स्टेट में क्या क्या मेज, क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या 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 एक तरह से कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स आई थी इलेक्शंस बेसिस पर, तो वो आर्टिकल्स इसमें हैं। एंड सेकंड आर्टिकल्स आपको जलियांवाला बाग भी मैंने कल भी बताया था, जलियांवाला बाग किस टाइप से, जिसकी आज से सेंचुरियन है, यानी कि 100 साल पूरे हो गए, यानी कि 13th अप्रैल 99 को, ये डेट आपको याद रखनी है, 13th अप्रैल 99 को वैसाखी वाले, मैंने कल भी एक आर्टिकल्स पूरा डी डब्ल्यू करके बताया था आपको स्लाइड के माध्यम से। अगर आपने कल का वीडियो देखा है, कल का सेशन अटेंड किया है, तो आपके लिए एकदम फ्रूटफुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वाला सेशन देखिए, उसमें सारा मैंने डिटेल्स बताया, ये भी उसी डिटेल्स में है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं, देखिए जलियांवाला बाग जो 13th अप्रैल 1919 को हुआ था, ताकि आपको भी रिमेम्बर हो और भी स्टूडेंट्स को हो, जो नए स्टूडेंट हो उन्हें भी एक तरह से अच्छे से समझ पाए। 13th अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें अभी ये मुद्दा क्यों गर्म हुआ, देखिए मुद्दा अभी इसलिए गर्म हुआ क्योंकि 19 अभी ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद यानी कि इंग्लैंड, एक तरह से यूके कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो उनकी संसद में उनके प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, तो उन्होंने एक तरह से कंडेम्स किया था, निंदा की थी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि वहाँ से ही कुछ ऐसे जनरल्स दायर है, उन्होंने ही ऐसा काम किया था, लगभग बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ इंडियंस को मार गिराया था इसी वैसाखी के जलियांवाला बाग पंजाब अमृतसर में, तो उसी के बेस पर महानिंदा की, तो उसी बेस पर आर्टिकल्स भी छपे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस हो जाता है, हिंदू एडिटोरियल्स, एनी न्यूज़पेपर्स में बहुत आर्टिकल्स छपे हैं इसके बारे में, तो उसी के बेस पर दिया है, यानी कि सेंचुरी भी है एक तरह से, और वहाँ कंडेम्स भी किया गया, जनरल्स डायर वहाँ पर जो गोलियों से एक तरह से फायर किए गए थे राइफल्स के बारे में, तो उसी के बेस पर आर्टिकल्स इसमें दिया गया। आपको पढ़ना चाहिए, रीड आउट करना चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश एबिलिटी ज़्यादा करनी है, इंग्लिश वर्ड पावर आपकी ज़्यादा करनी है, ओके, तो प्लीज़ रीड आउट कीजिएगा। देखिए सेकंड फर्स्ट आर्टिकल्स देखिए, नोट हाफ डन इलेक्शंस के बारे में है, मैं इसका देखिए स्लाइड के माध्यम से आपको बताता हूँ। मेन पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस आर्टिकल्स में, जो आपको पढ़ने लायक है, आपके लिए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो, वही एक तरह से जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो, वही मैंने इस पार्ट से उठाया है। देखिए
इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ नॉट हाफ डे नॉट हाफ डन ओके। देखिए आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा ऑल्सो वोटेड टू इलेक्ट देयर स्टेट असेंबलीज स्टेट असेंबली। आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एपी सिक्किम सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में भी एक तरह से कह सकते हैं एक ये जनरल इलेक्शन भी है और असेंबली इलेक्शन भी है, दोनों इलेक्शन है। त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल टॉप इन टर्नआउट विथ 81% 81.8% बहुत हायर वोटिंग हुई एंड 81% रेस्पेक्टिवली। यानी कि त्रिपुरा में 81.8 और वेस्ट बंगाल में 81% वोटिंग हुई थी। दिस इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन विथ वी वी पैट। वी वी पैट के माध्यम से फर्स्ट इलेक्शन किया गया एज जनरल इलेक्शन, याद रखिएगा एज अटेस्ट टू ऑल ईवीएम। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, फर्स्ट इलेक्शन है ईवीएम वी वी पैट के द्वारा जनरल इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द ESI यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1.7% ऑफ वी वी पैट एंड 0.73% ऑफ द बैलेट यूनिट एंड 0.6% ऑफ द कंट्रोल्स यूनिट्स ईवीएम कंट्रोल्स यूनिट्स ऑफ ईवीएम हैज़ टू बी रिप्लेस्ड ऑन द थर्सडे ऑन थर्सडे स्ट्रे स्ट्रे इनसाइड इनसाइड इज एन इंसिडेंट ऑफ वॉयलेशंस वर रिपोर्टेड इन आंध्र प्रदेश बट इन जम्मू कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर द पोलिंग्स वेंट रिलेटिवली पीसफुल। यानी कि आंध्र प्रदेश कुछ कुछ आंध्र प्रदेश में कुछ कुछ जम्मू कश्मीर एक तरह से वॉयलेशंस भी हुआ था लेकिन ऑल ओवर रिलेटिव पीसफुली बहुत शांति से ओके। इसके बेस पर जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने इसमें से निकाला है जो आपके एग्जाम्स आपको रीड आउट करना है। मैं जिस टाइप से रीड आउट कर रहा हूँ उसकी हिंदी बता रहा हूँ उसी बेस पर आप भी रीड आउट कीजिए। हिंदी जो मैं बता रहा हूँ उसके बेस पर करिए। कोई भी वर्ड्स का आपको सेंटेंस कोई भी वर्ड्स का मीनिंग आपको ना समझ में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पूछिए। ज़्यादा पूछने से ही आपकी इंग्लिश पावर अच्छी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछिए ताकि आपको अच्छे इंग्लिश अच्छी हो सके आपकी ओके। देखिए सेकंड साइज में इन द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी 72% वोटिंग बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही अच्छी वोटिंग हुई थी। 72% बहुत हायर वोटिंग है क्योंकि वहाँ पर एक तरह से अलगाववादी बहुत ही वहाँ के एक तरह से भय का माहौल है तो 72% बहुत अच्छी वोटिंग है। दिस इज अ गुड वोटिंग। पोलिंग वॉज रिकॉर्डेड देखिए रिकॉर्डेड वोटिंग है वाइल इन द वैली बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द फिगर वॉज 35% मार्जिनली लोअर देन द 2014 फिगर्स ओके। आइसोलेटेड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिस मैनेजमेंट अक्रॉस एरोज इन सम स्पार्ट्स बट बाई एंड लार्ज द फर्स्ट फेज वेंट ऑन वेल एंड अपहेल्ड इंडियाज रेपुटेशन इज मैनेजिंग वट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। इंडिया की एक वर्ल्ड लार्जेस्ट में वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावर एक तरह से कह सकते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन कमीशन भी इंडिया में इंडिया का इलेक्शन कमीशन पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है और डेमोक्रेटिक लोकतंत्र भी इंडिया का पूरे विश्व में जाना जाता है। तो इसी के बेस पर रेपुटेशन से एक तरह से इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग समर इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग समर एक तरह से लंबे टाइम के लिए ओके। तो इसी बेस पर जो जो आर्टिकल्स था किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूंसी किस टाइप से कौन कौन से देशों में विधानसभा कौन कौन से स्टेट में विधानसभा जनरल इलेक्शन दोनों साल में था किस टाइप से वोटिंग हुई बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है तो उसी के बेस पर आर्टिकल्स था क्या क्या है किस ओके आपको पढ़ना चाहिए। जो मैंने मेन पार्ट था वो मैंने बताया लेकिन ऊपर वाला जो पैराग्राफ था ऊपर वाले पैराग्राफ में ओनली फॉर यही दिया था नमो टीवी को बैन किया गया इस पर बैन किया गया कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यही सारा दिया गया था। तो जो जो मेन पार्ट था वही मैंने आपको दिया है रीड आउट भी किया है 100% आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आपकी इंप्रूवमेंट करनी है। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया SBPO का नोटिफिकेशन आ चुका था LIC EW का एग्जाम्स जो कि नोटिफिकेशन आ चुका था तो फॉर्म फिल कर दिया होगा तो उसी के बेस पर इंग्लिश जिनकी भी वीक है तो उसी के बेस पर रेगुलर बेसिस पर फॉलो करता हूँ। रेगुलर बेसिस पर सेशन यूट्यूब पर मेरे चैनल्स पर आप देख सकते हैं लगभग करीबन करीबन ज़्यादा इससे वीडियो डाल चुका हूँ मैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए दिस इज अ गुड वे ओके। ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब करिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए ओके। आइए देखिए वोकैब्स बहुत ही अच्छे वोकैब्स हैं दोनों आर्टिकल्स में से। अर्डवस यानी कि अर्डवस एक तरह से कह सकते हैं हार्ड डिफिकल्टीज कठिन हो एक हार्ड और डिफिकल्ट हो इट्स कॉल्ड बी अर्डवस ओके। एग्जाम्पल देखिए वी शुड नेवर ट्रेम्पल्स बाई डूइंग्स अर्डवस वर्क बहुत ही कठिन वर्क है कठिन काम है एक तरह से कह सकते हैं ओके। सेकेंड वर्ड्स देखिए एड्रॉइट बहुत ही न्यू वर्ड दिस इज अ न्यू वर्ड्स आपके लिए क्लेवर और स्किलफुल यानी कि चतुर एक स्किलफुल कौशल निपुण व्यक्ति इट्स कॉल बी एड्रॉइट ही वाज एड्रॉइट एंड टैक्स अवॉइडेंस ओके। डिफियंस यानी कि इनसोबिडेशंस डिफियंस ओके।
डिफेंस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट वॉज शोड इन शबरीमला केस बाई पीपल्स, बाई की पीपल्स। बहुत ही ऑल ओवर थ्री वर्ड्स आर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इस बेस पर आप सेंटेंस जो मैंने क्रिएट किया उससे डिफरेंट बेस पर सेंटेंस क्रिएट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पावर आपकी इंप्रूवमेंट होगी, 100% आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके स्ट्रेप, अभी जो आया था हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था, डिफ्यूज यानी कि अनपिक्ड, डिफ्यूज कर देना, एक अनपिक्ड कर देना, इट्स कॉल्ड बी स्ट्रेप। After the collisions, of two buses, their broken glasses, were stray on the road. Okay. Transgress, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इनफ्रिंग, सुपरसीड, एक तरह से ब्रिज कर देना, उल्लंघन करना किसी पर, उल्लंघन करना किसी लो का, तो उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेस। ओके पॉलिटिशियंस ऑलवेज ट्रांसजेंस द इलेक्शंस कमीशंस, रूल्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जो कोड ऑफ कंडक्ट के रूल आचार संहिता में रूल उल्लंघन करते हैं, तो उसे इट्स कॉल्ड बी ट्रांसजेंस, ट्रांसग्रेस। ओके उल्लंघन करना, ब्रीच करना। परप्लेक्स, बहुत ही अच्छा वर्ड है, यानी कि पजल, कन्फ्यूजन, उलझन हो, तो इट्स कॉल्ड बी इम्बेजल हो। ये सिनोनिम्स है सारे, पजल्स, कन्फ्यूजन, इम्बेजल्स, तो इट्स कॉल बी परप्लेक्स, यानी कि उलझन हो किसी पर्सन पर, किसी क्वेश्चन में भी कह सकते हैं। द स्टूडेंट्स लुक्ड परप्लेक्स, टू शो द टीचर्स ट्राइड टू एक्सप्लेन वंस अगेन। जो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को लुक देखने में, एक तरह से कहते समझने में परप्लेक्स, यानी कि उलझन हुई, तो सो द टीचर से आग्रह किया प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, यानी कि वापस दोहराएं इस चीज़ को। ओके ग्रेट एग्जाम्पल थी, आप भी अच्छे एग्जाम्पल्स बनाए, ईजी लेवल पे एग्जाम्पल्स, एकदम आम जनरल लैंग्वेज में मैंने एग्जाम्पल्स दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओनली फॉर यू, आपके लिए अच्छे से समझ में आए। इसी बेस पर एग्जाम्पल्स देता हूँ, अच्छे से समझ सकें, वर्ड्स अच्छे से याद रह सकें। देखिए वर्ड्स आप जितना से ज़्यादा याद करोगे याद नहीं रहेंगे। सेंटेंस क्रिएट कीजिए वर्ड पर, मैं जो सेंटेंस 10 वर्ड्स आपको देता हूँ उसके बेस पर सेंटेंस कीजिए। आप चाहे भले कितना ही रट लीजिए, आपको 100% 2 डेज या 3 डेज के आफ्टर में पूछूंगा, 100% आपको याद नहीं रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा याद कर, वर्ड्स को दिमाग में बैठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट कीजिए, न्यू सेंटेंस क्रिएट कीजिए। ओके सेंटेंस 7th देखिए, फ्रेनेटिक यानी कि रेविंग्स डिमेंटेड, फ्रेनेटिक एक तरह से उन्माद हो, उन्माद बचाना हो, उसे बोलते हैं कट्टर भी कह सकते हैं फ्रेनेटिक। He is a frenetic enemy of a Modi government, Modi's government. Paradoxials, यानी कि incoherent, असंगत हो, it's called भी paradoxials. Coherent बोल सकते हैं, इसका antonyms हो गया coherent, incoherent is a paradoxicals, यानी कि असंगत हो. Okay? He found himself in a curiously paradoxical situations. 9th देखिए, पोस्टुलेटेड, यानी कि सजेस्ट करना किसी चीज़, प्रस्ताव करना, प्रस्ताव देना, इट्स कॉल्ड बी पोस्टुलेटेड। बहुत ही अच्छा वर्ड है। इट हैज़ बिन पोस्टुलेटेड दैट द कंडीशंस इनहेरिटेड, दैट द कंडीशंस इज इनहेरिटेड। बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। आप भी सजेस्ट करना, प्रचार करना किसी चीज़ का, किसी के बारे में सजेस्ट करना, गाइड करना, इट्स कॉल्ड बी पोस्टुलेटेड। तो इन वर्ड्स है 7, 8, 9, 3 वर्ड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, याद रखिएगा। ओके आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। अच्छे से आपको वोकैब्स के वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, टाइप अच्छे, आर्टिकल्स आपको अच्छा लगा होगा, आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी पॉइंट्स आपके ना समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, सर ये चीज़ ना समझ में आए, कोई भी वर्ड्स आपको ना समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे सारे वर्ड्स टाइप करने में और में, प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, लाइक मेरा मोटिवेशन से चाहिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए क्रिएट कर सकता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर, रेड वाले बटन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके मैं SBA PO, SBA Clerk, LICW, इस बेस पर आपको, मेरा मोटो ओनली फॉर आपके लिए ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएट करके आपकी प्रैक्टिस करवाना, चाहे मैथ्स के सेशंस हो, चाहे इंग्लिश के सेशंस हो, चाहे जनरल नॉलेज के सेशंस हो। ओके देखिए टुडेज वर्ड ऑफ द डे, टुडेज बिब्लियोफाइल, बहुत ही कॉमन वर्ड है, यानी कि बुक लवर जिसको बोलते हैं, जो किताबों से ज़्यादा प्यार करता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ओके इन द इन दिस आर्टिकल्स आई रिगार्ड हिम एज ए बिब्लियोफाइल, स्कॉलर्स ऑफ द बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी एंड एडिशंस स्टडी। बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, SSC में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। idioms and phrases देखिए, सेट ऑफ यानी कि गिव राइज टू बिगिंस, स्टार्ट करना किसी चीज़ को। ओके शोरअप यानी कि ब्लास्टर ऑफ सपोर्ट करना किसी चीज़ को। ओके मजबूत करना। बैक ऑफ यानी कि रिट्रीट, विद्रॉल यानी कि निकाल लेना किसी चीज़ को, बैक ऑफ कर देना। ओके इट्स कॉल्ड बी बैक ऑफ।
तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करें अगर आपको अच्छा लगे। यू एल गॉट इट वेरी वेल्स, आई ट्राई टू माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है टाइप करके अच्छे से अच्छे वर्ड्स देके। तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ एंड कलीग्स के साथ अच्छे से अच्छे, ओके। एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ये 10 वर्ड से टैग है स्क्रीन शॉट, और कभी भी टाइम मिले तो तुरंत आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।